10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. क्वेश्चन नंबर 28। एक्स इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख, ढंग से सुनना, एक्स इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख ऑन द परचेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अच्छा, एक्स ने गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदे 4th of January 1989 को कितने रुपए के? 1 लाख। On 12th of January 2010, he started a business and convert business किस चीज का? ज्वेलरी का, और इसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, और उस समय उसकी मार्केट वैल्यू है 4 लाख। अच्छी बात है। X credited his capital account by rupees 4 lakh and debited his stock account 4 lakh. The gold ornaments are now reflected in the business of X as stock in trade. Or in stock in trade ko usne sell kar diya. Successfully kya kar diya? Sell kar diya. Kab sell kiya hai? 2014-15. Kitne rupay mein? 5 lakh. अब बताओ ये कौन सा सेक्शन है? 45(2). क्लियर हुआ? बोलो, इसमें क्या बताया गया है कि जब ये कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड होगा, नो कैपिटल गेन विल अराइज, इट विल बिकम ट्रांसफर एंड कैपिटल गेन विल अराइज, बट द टैक्सेबिलिटी विल अराइज इन दैट ईयर इन विच द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड सक्सेसफुली। नाउ टू टाइप्स ऑफ गेन्स आर देयर, द फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट विल अराइज कैपिटल गेन, एंड ट्रांसफर ऑफ अ स्टॉक इन ट्रेड या सेल ऑफ अ स्टॉक इन ट्रेड विल अराइज पीजीबीपी। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, सुनना ढंग से, जिस साल हम पीजीबीपी कैलकुलेट करेंगे उसी साल हम कैपिटल गेन भी कैलकुलेट करेंगे। बोलो ना, कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट? कैपिटल गेन। और मैं एक काम करने जा रहा हूं, प्रीवियस ईयर किस साल कन्वर्जन हुआ था? 9-10 में, और असेसमेंट ईयर मैं इसको काटूंगा और क्या लिखूंगा आगे, 14-15, ताकि हमेशा दिमाग में ये चीज कॉपी रहे कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। सारे एग्जाम में ना कर देना, समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि अब हम लोग सारे कैलकुलेशन इस डेट तक करेंगे। पक्की बात है ना? चलो, सबसे पहले कैपिटल गेन, पीरियड ऑफ होल्डिंग, 4th January 1989 टू कन्वर्जन हुआ है 9-10 में, 11th of January 2010 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यस और नो? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में कन्वर्जन हुआ है? मार्केट वैल्यू मालूम है 4 लाख, और यही मार्केट वैल्यू मेरे लिए स्टॉक की क्या बन जाएगी? कॉस्ट। कितने की? पक्की बात है ना? जो मैंने अपने आप को ही सामान बेचा, माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने के कारण। कितने की एसेट खरीदी थी? 1 लाख। चलो इंडेक्सेशन बताओ, सीआईआई बताओ तो बाबू, देखिए उसमें बताएं 88-89 में कितना था,
और आराम से बताएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। और जब मैंने कन्वर्जन किया है 9, 10, 9, 10, 32, एक तो ये निकल गया कैपिटल गेन, दूसरा सेल ऑफ पीजीबी स्टॉक, सेल ऑफ स्टॉक कितने का बेचा है, चलो अब दोनों का प्रॉफिट बताओ। एक तो यहां आ गया, ये हो गया पीजीबीपी, ये आ रहा है इतना, कोई दिक्कत है इसमें, नोट करें। पॉइंट नंबर टू, हाँ, व्हाट वुड बी द आंसर इफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर हेल्ड बाय द एसएससी टिल 31st of March 2015। इसी क्वेश्चन को बताओ, अगर गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं बेचे गए होते, हमने केवल स्टॉक इन ट्रेड की तरह कन्वर्ट करके रख लिया होता, तो क्या टैक्स लग जाता? तब तक नहीं लगता टैक्स जब तक कि हम उनको सक्सेसफुली सेल, तो लिख लो, नो कैपिटल गेन वुड अराइज। पॉइंट नंबर बी, उसी में ही पॉइंट नंबर बी, नो कैपिटल गेन वुड अराइज अंटिल द स्टॉक इन ट्रेड इज सक्सेसफुली सोल्ड। नो कैपिटल गेन विल अराइज अंटिल और अनलेस द कैपिटल एसेट, यस, अंटिल द स्टॉक इन ट्रेड इज सक्सेसफुली सोल्ड इन द मार्केट। बिल्कुल सही है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। आर एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट, आर के पास प्रॉपर्टी आ गई, वो भी गिफ्ट से आई है। तो गिफ्ट में जब हम लोग देखते हैं तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट देखते हैं ना, फ्रॉम हिज फादर इन ईयर 91-92, और उस एसेट की एफएमवी है 3 लाख। हमें इस एसेट की एफएमवी से कोई लेना देना है नहीं, फादर ने वो एसेट एक्वायर की थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 83-84 में, जानते हो कितने में, 2 लाख। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को आर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन की तरह यूज कर लिया इन अ फर्म, पक्की बात है ना। अच्छा, 5 जून 2014 को, 5th of June 2014 को, और उस समय उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 20 लाख, बट द रिकॉर्डेड वैल्यू इज, यस, 18 लाख। बुक्स में कितना दिखाया गया है? क्या कोई कैपिटल गेन अराइज होगा? क्या कोई कैपिटल गेन अराइज होगा? आप लोग का जवाब होगा यस, क्योंकि ये सेक्शन है रेफर सेक्शन 45(3),
बोलो। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, प्रीवियस ईयर 14-15 असेसमेंट ईयर। एसएससी कौन है भाई? मिस्टर पीरियड ऑफ होल्डिंग 83-84 टू 4th ऑफ जून 2000। लॉन्ग टर्म फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यस एफ एम ई या रिकॉर्डेड वैल्यू? अरे हाँ, इसमें तो हम लोगों ने सीखा था क्या, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 83-84 का बताएं, इज योर आंसर। नहीं समझ में आया? मैंने बार बार बोला है कि कंसेप्ट सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कम से कम करते हैं, ताकि सारी थ्योरी पहले एक बार कंसेप्ट आ जाए। अब देखिए, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो एक एक मिनट लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थोड़ी स्पीड लाएंगे बाबू। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। ए हैज टू मोटर कार्स विच आर यूज्ड बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर हिज पर्सनल पर्पजेस। ए के पास दो कार है और दोनों कार पर्सनल यूज में आती हैं। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ द कार वॉज 150 एंड 180, दैट वॉज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यस और नो? फर्स्ट कार वॉज ट्रांसफर्ड बाय हिम एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ या ना? और उस दिन उसकी FMV थी 1 लाख, जबकि रिकॉर्डेड वैल्यू है 2 लाख। सोचो 1 लाख की चीज को कितने पर रिकॉर्ड किया गया। ये तो एज सच वैसे ही है जैसे थी। कैपिटल गेन कितना कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करेंगे, बोलो। पीरियड ऑफ होल्डिंग कोई बताएगा हमको? बोलो भाई, दिया ही नहीं। अरे इंसानों, इतनी मार खाओगे। ये पर्सनल यूज की एसेट्स है, और कार क्या होते हैं? पर्सनल इफेक्ट होते हैं, और पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होते, और कैपिटल एसेट जो नहीं होता उसको ट्रांसफर करते रहो, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता। का सॉल्यूशन देखिए, नो कैपिटल गेन विल arise because
there is a transfer of personal effects means personal car which is not a capital asset. That's it. हटा सकते हैं. अच्छा, फिर लिखा है इन अबव क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वुड बी द आंसर इफ ए हैड कन्वर्टेड द फर्स्ट कार इनटू स्टॉक इन ट्रेड. अगर हम इसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन की तरह ना ले आए, किसमें कन्वर्ट कर दे, तो बताओ आंसर क्या होगा. आंसर इज सेम, क्योंकि जब कैपिटल एसेट है ही नहीं तो काहे का कैपिटल गेन भाई. तो लिख लो आंसर इज सेम. क्वेश्चन नंबर 32. PQR and Sons is a partnership firm consisting three partners PQ and R. The firm is dissolved. Underline कर लें dissolved. जब firm के dissolution की बात आती है और capital gain में अगर हम बात कर रहे हैं, then we have to refer section 45(4). आया ना? The assets of the firm were distribution to the partners as follows. बहुत important question है, लिख लो इसके आगे. Question number 32 के आगे लिख लो most. इसमें एक दो से तीन नई चीजें सीखने को मिलेंगी. The assets of the firm were distributed to the partners as under. जरा देखो, block of machinery P को दे दिया, transfer हो गया. Stock Q को दे दिया, PGBP आ जाएगा. Land R को दे दिया, capital again आ जाएगा. यानी block of machinery के केस में, सुन लो word सुनना, block of machinery के केस में, depreciable asset के केस में, firm के हाथ में केवल और केवल short term capital gain arise होता है. पहली चीज. दूसरा, स्टॉक अगर मैं पार्टनर्स को दे रहा हूं डिसोल्यूशन के समय, तो स्टॉक हमेशा पीजीबीपी अराइज करता है, कैपिटल एसेट नहीं होता वो. तीसरा, लैंड हम दे रहे हैं तो कैपिटल एसेट है ही. शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, बोलो ना, means depreciable. Previous year 14-15, assessment year 15-16. Period of holding कोई मतलब है क्या? कोई लेना देना नहीं, ये तो पहले से ही मालूम है कि क्या निकलने वाला है, short term capital gain. जरा देखो, 89-90 में खरीदा था, भले ही 20 साल पहले खरीदा, शॉर्ट टर्म मीन शॉर्ट टर्म. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 7,20,000, जबकि आज की रेट में उसकी WDV है 4,40,000. कितनी है, यानी मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 4,40,000. कितनी है फर्म के लिए कॉस्ट कितनी है. अच्छा, यहाँ SSC कौन है ये तो याद रखना, मेसर्स PQR फर्म, पक्की बात है ना, उसी के हाथ में अराइज होगा. मार्केट वैल्यू कितनी है, 5,00,000. मैंने तुम लोग को बता दिया था जब हम पार्टनर्स को सेटल करते हैं तो कितने रुपए में सेटल किया, उससे कोई लेना देना, कितनी मार्केट वैल्यू है उससे लेना देना है. हुई तो लड़ाई है, लेकिन प्यार मोहब्बत से सरकार को क्या लगाएंगे, चूना, पक्की बात है ना. चलो, तो यहां पर आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सीधे मार्केट वैल्यू पर आ जाओ, कितना है, 7,00,000, 5,00,000, 5,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या WDV ऑफ ब्लॉक,
डब्ल्यू डी को ले लेंगे, कितना 4,40,000। सोचना ही नहीं है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000। सर इतना ही आसान आता है एग्जाम में? बेटा ये आसान नहीं है, ठीक है ना। 10 दिन बाद यही क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा बीपी हाई हो जाएगा, बशर्ते अगर आप रिवीजन करते हैं घर पे, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का हमेशा बना रहेगा खेल की, जब देखो आंसर दराग से आ जाए। अब आ जाएंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, हाँ या ना, क्यों ट्रांसफर ऑफ स्टॉक, पक्की बात है ना, बोलो। चलो सेल कंसीडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कितना है मार्केट वैल्यू बताओ? 5 लाख। देखो हम लोग पहले दिमाग में कंसेप्ट रख दे रहे हैं, उसके बाद वो चीज खोजने मिल जा रही है। माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा था? 4 लाख में। तो पीजीबीपी कितना हो गया? सोचना क्या है इसमें सर, कितना आसान है। तीसरा देखते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट कैपिटल गेन। अब ये देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, क्योंकि डेप्रिशिएबल तो है नहीं लैंड पर। पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ कब से कब तक? 77-78 टू प्रीवियस ईयर 14-15। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अच्छा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 8 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा 10,000 की चीज थी ना, और 1,481 को मार्केट वैल्यू कितनी है? 11 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दिस इज योर आंसर। बताओ क्या मेहनत लगी एग्जाम में, अगर 12 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए क्या टेंशन है? हमें तो नहीं लगता, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्लियर पक्की बात है। अच्छा अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, देखो तो नीचे एक लास्ट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और वो सेंटेंस सब पर भारी है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप लोग आएंगे तो आपके क्लाइंट आपसे पूछेंगे, हमसे भी कई लोग ये क्वेश्चन रेज कर चुके हैं, और कंफ्यूजन कहाँ आता है कि सर अब पार्टनर्स के हाथ में हम कॉस्ट लें तो लें क्या? पार्टनर्स के हाथ में, फर्म ने मुझे दिया, फर्म ने टैक्स पे किया, फर्म ने ये माना कि हम इतने में बेच रहे हैं, 5 लाख में, 5 लाख में, 8 लाख में, ठीक। बताओ पार्टनर्स के हाथ में जब वो एसेट जाएगी और जब पार्टनर्स उसको बेचेंगे तो वो कॉस्ट क्या यूज करेंगे? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आखिर पार्टनर्स के हाथ में कॉस्ट क्या लेंगे? पार्टनर्स के हाथ में कॉस्ट लेंगे ये और ये, गलत बात है। यही तो बात, ये तो डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, दैट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये तो सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए वैल्यू मान ली है, लेकिन जब तुम खुद चीख चीख कर कह रहे हो मुझे 3 लाख रुपए के बदले ये सामान मिला है, 4,40,000 का सामान कितने के बदले मिला है, अकाउंट कितने में सेटल्ड किया गया है, तो भैया आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर पी,
कितना? रुपीस 3 लाख। अब बात समझ में आई? कहीं से कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, है ही यही। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आकर फंसता है, आपने अकाउंट जितने में सेटल करवाया आप उतना मान लो, आप खुद चीख चीख कर करो मैंने तो 3 लाख के बदले ये एसेट लिए 3 लाख, तो आप 3 लाख रुपए लो ना उसकी कॉस्ट। आपको कितना कमाना पड़ा? 3 लाख रुपए कमाना पड़ा। एक्चुअल में पार्टनर्स ने कितना रुपया छोड़ा? 3 लाख। और 3 लाख रुपए दे करके समझ लो ये एसेट ले ली, तो आपके लिए तो एक्चुअल कॉस्ट 3 लाख हुई। इसी तरह 4,10,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर क्यू रुपीज 4,10,000। और देखो तो गवर्नमेंट को ही इसमें फायदा है, गवर्नमेंट अपना फायदा घाटा नहीं देख रही, गवर्नमेंट ने एक इम्पार्शियल होकर के रूल बना दिया। 3 लाख रुपए दिस इज योर कंप्लीट आंसर। और खूब मजा आता है जब हम लोग अपने सीनियर वगैरह से इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और वो नहीं बता पाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 33? A firm consists of how many partners? A firm consists of how many partners? 3 partners. R, G and S. S retires from the firm. अच्छी बात है, फिर से सेक्शन रेफर करना पड़ेगा, सेक्शन 45(4). चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डिसोल्यूशन का केस हो, दोनों का आंसर सेम रहता है, कंसेप्ट सेम रहता है। His capital balance and the profit till date of retirement stood 15 lakh, यानी उसको टोटल 15 लाख रुपए लेने थे फर्म से, और फर्म ने उसको ट्रांसफर कर दी जमीन, और जमीन की कीमत 25 लाख रुपए है। बोलो तो गवर्नमेंट ने कहा मार्केट वैल्यू ले लो, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे कितना? 25 लाख। अच्छी बात है। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि एसेट तो खरीदी गई थी 1/5/94 को और ट्रांसफर हो रहा है वो 14th October 2014 को, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स निकालेंगे। बताओ अगर 94 की एसेट है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 5 लाख। और 94-95 का इंडेक्सेशन देखकर बताओ, 94-95 बताओ कितना आया? मेरे हिसाब से तो यही है 800। ये आ रहा है 5,23,167। अब यहां लिख दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ रिटायर्ड पार्टनर वुड बी कितना? बोलो बोलो भाई,
15 लाख सेटलमेंट कितने का हुआ है? 15 लाख। बात खत्म। अभी तो बताया मैंने, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आ गया आंसर। क्या करें बताओ, इसमें नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया। थोड़ी स्पीड लाएंगे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 34 चले। एक्स एक्वायर्ड अ हाउस फॉर रुपीज 20,000। 77-78 को एक्स ने एक घर एक्वायर किया है और उसकी डेथ हो गई, बोलो ना, 86 में, और ये घर चला गया मिस्टर वाई को, उसके बेटे को, 1481 को। एफएमवी जो थी उस घर की 80,000, और इस घर को छीन लिया किसने? गवर्नमेंट ने। और कहा 15 मार्च 2011 को उस घर को छीन लिया गवर्नमेंट ने, और कंपनसेशन फाइनल किया कितना, जिसमें से कुछ पैसा हमको मिला है 25 मार्च 2014 को 5,20,000, और बाकी मिला है 15 अप्रैल 2014 को 1,40,000। बोलो मिल गया पूरा? वाई ने केस फाइनल कर दिया, इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, और उसको 1,00,000 रुपए एडिशनल कंपनसेशन या इनहांस्ड कंपनसेशन मिला है, कितना? और उसने उस पर जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो कितने किए हैं? 2,000, और उसको कंपनसेशन मिला है 14th of March 2015। दैट्स इट। This is our complete question. देखो ना, बस इतना ही क्वेश्चन है। नहीं समझ में आई बात? सॉल्यूशन। कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा है, रेफर सेक्शन 45(5). अगर गवर्नमेंट हमसे कोई मेरी कैपिटल एसेट जबरदस्ती छीन लेती है और उसका कंपनसेशन देती है, तो एज एंड व्हेन आई विल गेट द फर्स्ट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, द टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन विल अराइज ऑन कंप्लीट 6,60,000, नॉट ऑन दिस अमाउंट ओनली बट द कंप्लीट अमाउंट। पक्की बात है ना? लेकिन हमारा ट्रांसफर तो उसी समय हो गया था, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल जे प्रीवियस ईयर 2010-11, असेसमेंट ईयर 11-12। मैंने कहा था इसको हम काट देंगे। किस साल टैक्सेबिलिटी अराइज करेंगे? 13-14, और असेसमेंट ईयर 14-15। बोलो, ध्यान देना, 14-15 नहीं है, उल्टा हो गया है। पीरियड ऑफ होल्डिंग,
खरीदी गई थी एसेट 77, 78, 2, ट्रांसफर हो गई गवर्नमेंट को 14th of March 2011। दिस इज आवर पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिस साल हमको कंपनसेशन या उसका पार्ट मिलता है टोटल अमाउंट पर हम लोग टैक्स लगा देते हैं, यानी अब इन दोनों पर टैक्स लग गया। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 80,000। आप अब 80,000 लेंगे डिवाइडेड बाई 100 इंटू 939 शायद था, बताएं कितना आ जाएगा। 7 लाख तो लॉस आ गया, ये तो 91,200, ये क्या आ गया लॉस, पक्की बात है। अच्छा, उसके बाद फिर से हमें पैसा मिला किस ईयर में, 14-15 में। 1,00,000 रुपए कब मिला है, 14-15, और असेसमेंट ईयर, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एनहांस कंपनसेशन एडिशनल कंपनसेशन बोलो कितना, 1,00,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग लेस कर चुके हैं, माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना 2,000। तो तुम लोग यहाँ क्या वर्ड लिखोगे, एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर कितना रुपया, 2,000। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, जो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। हटा सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, 34 था। अच्छा, अब हम किस पर जाएंगे सर, कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ज़्यादा हो गया नहीं हुआ ना, अभी मज़ा तो आ ही रहा है, अभी तो हम लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हैं हर क्वेश्चन में। इन टोटलिटी 50 के नियर अबाउट क्वेश्चन रहेंगे, 50 या 55 नियर अबाउट। अभी हम लोग को 20 क्वेश्चन करने हैं, कितने, और थ्योरी पढ़नी है सेक्शन 54 की, एक क्लास तो वही ले लेगा, ज़्यादा लगेगा ना टाइम, हाउ बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 35, एग्ज़ाम में नंबर जब मिलता है ना तो खुशी भी इसी से ही होती है, उस समय बोर वर्ड भूल जाते हैं कि नहीं। आर एक्वायर्ड 200 डिबेंचर्स 100 रुपए वाले 15th May 2007, यानी कितना रुपया, 50% ऑफ द डिबेंचर वॉज कन्वर्टेड, 50% कन्वर्टेड, तो 200 डिबेंचर 50 रुपए के हिसाब से कन्वर्टेड आया ना,
यानी कितने रुपए की कॉस्ट का कन्वर्टेड, 10,000 रुपए की वैल्यू का कन्वर्टेड हो गया, 20,000 के बदले 10,000 का कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? अच्छा, 4 इक्विटी शेयर में। किसमें? 4 इक्विटी शेयर्स में। यानी अब उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 800 इक्विटी शेयर्स। टोटल कितने मिलेंगे? हर एक डिबेंचर के बदले, 200 डिबेंचर के बदले, 4 एक के बदले, तो 800 टोटल। आर देयर फोर, अच्छा कितने फेस वैल्यू क्या है, कब मिला है? आर ने, आर को 800 शेयर्स मिले हैं 10 रुपए वाले, और 200 डिबेंचर अभी भी बचे हुए हैं 50 रुपए वाले, क्योंकि 200 डिबेंचर 50 रुपए वाले कन्वर्ट हो गए, तो 200 डिबेंचर अभी भी 50 रुपए वाले वहां बचे हुए हैं। सर कुछ सेक्शन तो नहीं बताया आपने इसके लिए? बताया है, सेक्शन 47 में बताया है, अगर आप का अगर कोई कंपनी अपनी ही कंपनी के डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट को लेकर अपनी ही कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर में कन्वर्ट करती है, तो उसको हम कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करते। पक्की बात है? द शेयर्स वेयर सोल्ड, ओके, इनको अब हमने सेल कर दिया। कब किया है सेल? 15 जून 2014 को 100 रुपए के हिसाब से, 80 पे किया है 80 रुपए, बस ना। बोलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेफर करेंगे सेक्शन 47। बेसिकली मैंने क्या कहा, कंसेप्ट अगर तैयार हैं सारे के सारे, तुरंत पहले सेक्शन पकड़ो कहां जाता है, उसके बाद तुरंत आंसर ले लो। जब हम कन्वर्ट करते हैं अपनी ही कंपनी के डिबेंचर अपनी ही कंपनी के शेयर्स में, तो वो माफ होता है, तो नो कैपिटल गेन, सुनो पहले, विल अराइज ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। सर ये तो बात समझ में आ गई, ये है नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, अब बेटा कन्वर्जन पर तो माफ कर दिया, लेकिन बेचोगे तो क्या माफ करेंगे? नहीं नहीं, शेयर उसके बाद बेचोगे तो माफी लोगे? अब कौन सी माफी लोगे? कितना सही बात बोला कि अगर एसटीटी लगा है और लिस्टेड है तो माफ है। सेक्शन 1038, जरा देखो पीछे पलटो और हमको बताओ, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट फंड को अगर हम ट्रांसफर करते हैं, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत ही बढ़िया, तो क्या होगा? माफ होगा। क्या लिखा हुआ है पढ़े, पूरा सेक्शन पढ़े पढ़े। फर्स्ट अक्टूबर 2004 ऑन और आफ्टर, अगर ऐसा ट्रांसफर हुआ है 1 अक्टूबर 2004 के बाद, हाँ दो 1 अक्टूबर 2004 के बाद ही हुआ है, माफ। अगेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, ये है अंडर सेक्शन 47, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जरा ढंग से देखो। इक्विटी शेयर क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना, सॉरी एसेट, सॉरी। अगेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004, ऑन विच एसटीटी इज चार्ज is exempt 100% under section 1038. Clear? Note number 3,
अरे सर ये कौन सी बात है, हो तो गया, क्लैरिटी तो ले आए। लिख लो बेटा, साथ साथ लिखने से होता क्या है कि स्पीड बनी रहती है लिखने में, और एग्जाम में स्पीड रुकी रहती है, क्योंकि उस समय तो समझ में आता ही नहीं है। इफ एस टी टी वुड नॉट हैव बीन चार्ज्ड देन कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, चलो प्रीवियस ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16, पक्का ना, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, अगर नहीं होता तो क्या होता, पीरियड ऑफ होल्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, सबसे बड़ा झटका लग गया। आगे नीचे दिया हुआ है कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, कुछ नहीं दिया ना, देना तो चाहिए था। चलो हाँ बताओ, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे, यहां से हमारा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। है ना अच्छी चीज, आखिर यहां आकर मामला रुक गया। अगर हम ये चीज नहीं मानते तो सोचो हम लोग का क्वेश्चन क्या रहता, आधा अधूरा रहता। बोलू नहीं, तुम लोग अपना अंदाजा लगाओ, अंदाज अपना अपना, हाँ बोलाओ, अंदाजा अपना अपना, सॉरी अंदाज अपना अपना नहीं, अंदाजा अपना अपना, बोलो। 20-60, कितने लोग कहते हैं 20-60, 1, 2, 3, 4, हाँ देखा देखी करो। हमारा आंसर क्या होगा, 15-5-2007 नहीं होगा, जब से शेयर आपको अलॉट हुए हैं। इम्पोर्टेंट चीज है भाई, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये ऐसी ऐसी चीज नहीं है बेटा। कब से लोगे, 20 अगस्त 2013 से लेकर के 14th June 2014, क्यों, क्योंकि कैपिटल एसेट आई कब से थी, स्टॉक को शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो शेयर्स कब थे मेरे पास, यहां ये है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने शेयर्स आपने बेचे हैं, 800, 100 के हिसाब से बेचे हैं, कितने के हिसाब से बेचे हैं, 80,000, माइनस लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म है बेटा, तो शॉर्ट टर्म में केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, कितना, जितनी उसकी वैल्यू थी, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर, कन्वर्जन वैल्यू, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना, दिस इज योर आंसर, लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोलो, अरे बेटा दो तरह के डिवेंचर होते हैं, एक फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगर आपने एक डिवेंचर 100 रुपए का लिया है और मैं कहूं कि ये फुल्ली कन्वर्टेबल है तो आपका ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में। मान लो शेयर का दाम भले 150 हो लेकिन कॉस्ट कितनी मानोगे आप, जितनी आपने पे की थी, डिवेंचर के बदले शेयर मिल गया, बात खत्म। तो डिवेंचर अगर 100 में खरीदा, इसका मतलब आज के डेट में शेयर कितने में खरीद रहे हैं, 100 में, काम खत्म हो गया, आपको तो एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ा। पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर वो होता है जिसका 50%, 60%, 70% पहले से ही डिसाइड होता है कि इतनी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसमें, शेयर्स में, बाकी वो डिवेंचर में ही रहेगा, लिखते जाओ, बाद में समझ लेना। 70% हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिवेंचर्स में, 60% शेयर्स में, 60% किसमें कन्वर्ट करेंगे, शेयर्स में। अगर मैं ये शर्त रख देता हूँ 60% वाली, तो इसका मतलब 60 रुपए की वैल्यू हो जाएगी हमारी शेयर्स की,
और 40 रुपये बचा रहेगा मेरा डिवेंचर। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर पर वो 40 रुपये की वैल्यू पर मिलेगा। इनकी मार्केट वैल्यू क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर हुआ? इसको हम कहते हैं FCD फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, इसको हम कहते हैं PCD पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। थोड़ी स्पीड ले आएंगे बाबू, क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा है। हो गया ना? जब लिखते हैं हम तब तो साथ साथ लिखने में पीछा नहीं छोड़ते, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा है? और जब हम मिटाने चक्कर में तो कहते हो अब फिर लिखेंगे, ये बात समझ में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 36। वन का ए, पी कमेंस्ड अ बिजनेस। अच्छा, पी ने बिजनेस स्टार्ट किया 15th अप्रैल 1991 और बिजनेस को सेल कर दिया 18 अप्रैल 2014 को, और गुडविल सेल किया है। क्या सेल किया है बोलो ना? तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, गुडविल कैपिटल एसेट होती है, प्रीवियस ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16, पीरियड ऑफ होल्डिंग 15th अप्रैल 91 टू 17th अप्रैल 2014, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना मिला है? 12 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे तुम लोग तो तेज आदमी हो, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड एसेट है, पक्की बात है ना? नोट कर लो। लिखा है कि क्या आपका आंसर कुछ दूसरा होता अगर पी ने ये गुडविल खरीदी होती 2 लाख में? बिल्कुल दूसरा होता, बी पॉइंट, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना? 12 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदी है? 2 लाख। कब खरीदी है भाई? 15 अप्रैल 91 को लिखा है ना, बताओ 91-92 का क्या है? 223 × 1024 बताएं, इंडेक्सेशन देते हैं क्या? हाँ, इंडेक्सेशन के लिए तो मैंने कभी मना ही नहीं किया। दो लाख 81,615, ठीक है।
कहाँ से लेना चाहते हैं? बाबू आप लोग जो हमें इंडेक्सेशन बताएंगे हम वही तो मानेंगे, या तो हमको आप किताब दे दें, कितना है 91-92 का कितना है? 223 लिखवाया था आपने, कितना आया ये? 10 लाख। कल से डंडा लाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का, हाँ टू। अच्छा सारे हम ही से करवाओगे बेटा, ये नहीं कि सर छोड़ दीजिए घर पे, हम खुद करेंगे। बता रहे हो टू। आर हैज बीन लिविंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन सिंस मे 94। मैं एक घर में रहता हूँ 94 से, और वो भी टिनेंट मतलब किराएदार की तरह, और मैं पे करता हूँ 500 पर मंथ, और लैंडलॉर्ड ने मजबूरी में मुझे घर खाली करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा मैं मजबूर नहीं हूँ, मुझे 5 लाख रुपए दो, और उसने मुझे दे दिया। टेनेंसी राइट पढ़े थे ना, ये वही कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। पीरियड ऑफ होल्डिंग, सोचो हम इतने दिन से एसेट रखे हुए थे हमें मालूम भी नहीं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात नहीं, इधर देखो पॉइंट नंबर 3 लिखा है, एस इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली 1983 से ही ट्रांसफर द प्रैक्टिस टू अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्ज 5 लाख टुवर्ड्स गुडविल। क्या होगा, होता है कि नहीं सेल्फ जनरेटेड एसेट? इट इज नॉट अ केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। क्यों सर? कैपिटल एसेट मींस गुडविल ऑफ अ बिजनेस, दिस इज अ केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन। Hence, no capital gain, and it is a capital receipt of which no tax treatment. पक्की बात है ना, हर चीज़ मैंने लिख दी आपको, अब जैसे रीजन समझना है वैसे समझो, ये मैं पहले भी बता चुका।
देखें क्या लिखा है पॉइंट नंबर फोर में, क्वेश्चन 36 के पॉइंट नंबर फोर में, आर परचेज द टेनेंसी राइट, आर ने टेनेंसी राइट खरीदा है, सेल्फ जनरेटेड एसेट एक्वायर की है 1 अप्रैल 1979 को, कितने में? अच्छा, और उसको फिर इसने बेच डाला, कब बेचा है? 14 अगस्त। अच्छा, कितने में? 20 लाख में। एफएमवी है 1 अप्रैल 1981 की, कितनी? 50,000। बस बताओ खास बात क्या है इसमें, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, प्रीवियस ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 अप्रैल 1979 टू 13 अगस्त 2014। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 20 लाख। अच्छा, आगे बताओ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना ले? एक, हाँ, अगर ये 5 लाख हो तो क्यों? क्योंकि कभी भी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की एफएमवी से कोई लेना देना नहीं होता, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की कभी भी 1 अप्रैल 1981 की एफएमवी हम कंसीडर नहीं करते इनटू 1024। 16 लाख, बोलो आज की मुलाकात क्या खत्म? प्रैक्टिस करें घर पे। आज फिर हम लोगों ने शायद 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किए 10। बधाई हो।